हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब, एंड वंस अगेन वेलकम टू वन एकेडमी। बोले बेटा, नए साल आने को अभी 2-3 दिन बाकी हैं, लेकिन भैया एसएससी ने नए साल का गिफ्ट दे दिया है। सर जी, क्या दे दिया भाई? घुमा घुमा के बातें करने की जरूरत नहीं है, सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो बेटा देखो, बात सिंपल सी है। एसएससी जेई 2024 का जो एग्जाम है, उसकी बेटा जो आपकी डेट है एग्जामिनेशन की, CBT 1, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 की जो एग्जाम डेट है, उसको भैया एसएससी ने आउट कर दिया है। बोल दिया भैया, देखो हमने आपको समय पहले से बता दिया है, तुम्हारे ऊपर है कि तुम भैया न्यू ईयर की पार्टी करो या भैया 4-5 महीने पढ़ के सिलेक्शन लेके फिर पार्टी करो। तो भैया देखिए, ध्यान याद रखिएगा कि अभी का जो सबसे बड़ी अपडेट ये आ रही है बेटा कि आपका एग्जाम का डेट आउट हो चुका है। कैलेंडर उसने बेटा शेड्यूल जो है एसएससी जेई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है। 4, 5 और 6 जून को एसएससी जेई CBT 1 का एग्जाम होने वाला है। बात याद रखिएगा बेटा, पुराने साल बीतने वाला है, पुराने साल में आपने जो भी गलतियां की, ठीक है, अब जो नए साल में बेटा आपको क्या करना है, उन गलतियों को इम्प्रूव करना है, पढ़ाई करना है। अभी ये ऐसा समय है, यहाँ पे बहुत सारी बातें होंगी कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्या है, फलाना ढिमका लहसुन सब बताया जाएगा। मैटर क्या करेगा बेटा? मैटर ये करता है कि यार आपको सिलेक्शन लेना है तो भैया पढ़ना पड़ेगा राइट डायरेक्शन में। याद रखिएगा, 5-6 महीने हैं, रगड़ के बेटा समय दे दीजिए पढ़ाई को, और सिर्फ पढ़ाई को और कुछ नहीं, बिलीव मी सिलेक्शन ले जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर आप बता देते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे बेटा, ये रहा आपका यहाँ पर कैलेंडर, इसको बेटा खोलोगे, आपको पूरा का पूरा शेड्यूल यहाँ पर दिख जाएगा। आपका ये शेड्यूल बेटा डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए, फेस 12 ग्रेड सी, आपका LDC, SUDC, सब इंस्पेक्टर, लास्ट में आता है बेटा कि आपका SSC JEE सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। तो बेटा ये डेट आपके लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने इसी A4 शीट पर बेटा क्या करिए, A4 शीट पर 4, 5, 6 लिख के चिपका दो, ताकि रोज तुमको दिखाई दे, उल्टी डेट्स लिख कर काटना शुरू कर दो बेटा, और इस सब को साइड करके पढ़ाई इंपॉर्टेंट है वो करना शुरू कर दो एक राइट डायरेक्शन में। अभी बेटा अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है तो एक फाउंडेशन आप लोग स्टार्ट कर सकते हो हम लोग के साथ, और बिलीव मी बहुत अच्छे से आप इस एग्जाम को प्रिपेयर करके सिलेक्शन ले सकते हो। बस ज्यादा पढ़ाई से अदर चीजों में मत जाइएगा, बस बाकी बेटा मिलते रहेंगे, सीखते रहेंगे, प्लानिंग्स बहुत कुछ बनेंगी, उसको बेटा एग्जीक्यूट करना है और पढ़ाई करके सिलेक्शन लेना है, दैट इज द ओनली थिंग। बाकी बेटा और अपडेट हम लोग इसके बारे में देते रहेंगे, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, खेलते रहिए बेटा, और थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, फोकस हो जाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।